महानगर के महेवा फल मंडी के पास निर्माणाधीन कान्हा उपवन का जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने औचक निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत महेवा में कान्हा उपवन का निर्माण कराया जा रहा है। 819.29 लाख की लागत से बनने वाले कान्हा उपवन में सैकड़ों आवारा पशुओं और गायों के रहने की खाने की व्यवस्था होगी, जिसका निर्माण 2019 तक पूरा होने की उम्मीद है। कान्हा उपवन में जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया और जल निकासी के विकल्पों की तलाश की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया, इसमें आ जाएगा ना पैसा, इसमें क्या तमाशा है? तो पहले ये बोल रहे हैं अंदर का वाटर स्रोत किधर है? इधर तो बनता नहीं है, मंडी वाली पानी कहाँ जा रहा है? लेकिन इसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी है, पीछे उनसे लेना पड़ेगा फिर कटनिया जो है उनसे लेना पड़ेगा। कहाँ से लोगे? जहाँ पे रेगुलेटर में जहाँ गिर रहा है पानी, बैकेंड वही है, बैकेंड वही है जहाँ पे मतलब। ये अभी तो कच्चा खुदा हुआ है, ये कच्चा नहीं है सर, नहीं है तो पक्का, लेकिन जो साफ कर करके दीवार से टूट नहीं, बीच में भी अगर हम जाएंगे आगे को तो कहीं पक्का है, कहीं कच्चा है, कहीं पक्का कहीं कच्चा है। वो नाला कहाँ गिरता है वो मुझे दिखाओ, वहाँ भी दिखाएगा। और दूसरा चाहे तो इधर से चलते हैं, नाले ठीक है, नाले नाले किनारे चलते हैं। इधर भी तो तुम्हारा इधर का इधर का पूरा जल भरा होता है, यदि मान लो वहाँ से बंद हो जाता फिर पानी तो यहाँ आता तो नहीं, क्या ये इधर का पानी का नहीं पानी पड़ जाता है, मिट्टी फिलिंग बना के बाहर से किसके ले जाएंगे? हाँ तो बाहर बार कर देंगे, रेगुलेटर मिल जाएगा, तो वहाँ 11 नंबर रेगुलेटर सर दीवार तो सर वो थोड़ा सा घर का दिक्कत है वहाँ पर, वो नफाई हुआ है तुम्हारे में? अच्छा, इससे नफाई करवा दी और अपनी जमीनों सर यहाँ तक करते हैं निगम नंबर वंबर जानते हो तो कौन से? हाँ हाँ हाँ, सब तहसीलदार साहब लिफार साहब लगा दिए, सब कर देंगे। रास्ता इधर है यादव जी, आप लोग डीएम साहब से बता दीजिए, बाद में आप लोग हायरिंग पैदा मत करिए, सब लोग मिल करके पोखरा कर शौचालय भी बना लिए, बढ़ते जा रहे हैं तो 220 नंबर है, इसको भी नाप लेते हैं। रामेश्वर भगत नाम का आदमी है, वो ज़्यादा हायरिंग पड़ता है। कान्हा उपवन आप देख ही रहे हैं, 2-3 महीने में ये कंप्लीट होने वाले स्थिति पे है। खासतौर पे इसका 3 तरफ बाउंड्री वॉल हो गया, एक तरफ से बाउंड्री बनाना बाकी है, बाकी यहाँ जो कर्मचारी कितने लोग हैं उन लोगों का आवास बनेगा, फिर डॉक्टर बैठने का जो चैम्बर बनेगा, फिर शेड बनाना है 200 पशु रखने के लिए, उसी हिसाब से लगभग व्यवस्था हो रही है। यहाँ का मेजर समस्या है पानी निकासी लेके, यहाँ से जो हावड़ बंदा तक का नाला है नहीं, उसी की वजह यहाँ का निकासी का बड़ा समस्या है, मंडी का पानी और यहाँ कॉलोनी का पानी और कान्हा उपवन का पानी, उसी के लिए हम लोग आगे 14 वित्त किसी योजना में रखेंगे, रख करके इसको हम लोग 1-2 महीने के अंदर इसका नाला का काम भी पूरा करेंगे।